ओके बच्चों, तो अब तक हमने हमारा पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कंप्लीट कर लिया और हमने आप समझ लीजिए कि 60-70% चैप्टर अब तक कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ 30% के आसपास चैप्टर बचा हुआ है हमारा। तो अब तक हमने जो किया उसके आगे का पार्ट क्या है वो देखने वाले हैं। हमने पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कर लिया, उसके बाद हमको अभी एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखना है कि पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहाँ पर अप्लाई होता है। ठीक है, हमको ये देखना है अभी। ठीक है, क्लियर? चलो भाई, यानी बेसिकली मैं आपको आज फॉर्मूलेज बताने वाला हूँ जो कि आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देंगे। ठीक है, चलिए भाई, इसमें दो चीज़ें होंगी। फॉर्मूलेज याद करते वक्त आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, दूसरा आपको याद रखना है कि एक्सेस ऑफ रोटेशन कौन सा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? फॉर्मूलेज याद करते वक्त दो चीज़ों का ख्याल रखना है, पहली चीज़ क्या ऑब्जेक्ट क्या है और दूसरा क्या एक्सेस ऑफ रोटेशन कौन सा है। ठीक है, चलो भाई, तो अभी हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का हम लोगों को क्या करना है अभी, एप्लीकेशन देखना है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो है आपका फॉर्मूला कह लो आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है ना आपके स्टेट बोर्ड में है ना एनसीईआरटी में, कहीं पर भी डेरिवेशन नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। समझ में आ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। समझ में आ गया? यानी बेसिकली हमारे पास क्या है, इस तरीके से क्या होगा, एक रॉड होगा। ठीक है, और रॉड इस वाले एक्सिस से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। समझ में आ गया? तो पहली चीज क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, दूसरी चीज क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है, सेंटर ऑफ मास से सेंटर से पास हो रहा है और साथ साथ में क्या है उसकी लेंथ को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसी बोलते हैं, क्योंकि सेंटर वाले एक्सिस से पास हो रहा है। ठीक है, चलो तो आईसी क्या होता है, आईसी होता है ml स्क्वायर बाय 12। क्या होता है आईसी? ml स्क्वायर बाय 12। एल क्या है, ये इसकी टोटल लेंथ है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? बस रट्टा मारना है, कोई डेरिवेशन नहीं आपको इसका। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ml स्क्वायर बाय 12 ये आपका क्या हो जाएगा, आईसी हो जाएगा। इसके बाद क्या, सेकंड वाला, सेकंड क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे चार अलग अलग एक्सिस के अबाउट। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? चार अलग अलग एक्सिस के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके देना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग सबसे पहले अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। उसके सेंटर से पास हो रहा है और उसके प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ऐसा वाला ये हमारे पास रिंग है और रिंग के ये वाला एक्सिस है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये मेरा रिंग है और ये वाला एक्सिस है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग। इमेजिन कर पा रहे हो? तो इसके बाद अगर इसको घुमाते हैं तो इसका आईसी जो आता है, आईसी इज एम आर स्क्वायर। आईसी क्या होता है? एम आर स्क्वायर। इसमें आर क्या है उसका? रेडियस। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये हो गया कौन से वाले एक्सिस के अबाउट, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। उसके प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर। समझ में आ गया? बी वाला पार्ट जो है इसके अंदर आएगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग या अबाउट इट्स डायमीटर। सीधा लिख देते हैं, अबाउट इट्स डायमीटर, डायमीटर के अबाउट। इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि टेक्स्ट बुक में फाइंड आउट करके दिया गया है। ठीक है, समझाता हूं मैं। आप क्या करो, एक अपनी रिंग ले लो, इसमें डायमीटर वाला एक्सिस कौन सा होगा, ये होगा। इमेजिन कर पा रहे हो, ऐसे बोर्ड के अंदर जा रहे हैं, और ये वाला भी होगा डायमीटर वाला एक्सिस, ये वाला भी होगा। इमेजिन कर पाए? तो ये भी क्या है आई डायमीटर के अबाउट, ये भी क्या है डायमीटर के अबाउट। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? अब क्या, अब इसको अपने को निकालना है। रिंग मैंने बिल्कुल पतली मानी, एकदम पतला, एकदम पतला रिंग है, मतलब उसको क्या मान सकते हैं, लैमिना मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? लैमिना, जिसकी थिकनेस ऑलमोस्ट जीरो होती है। और ये वाला एक्सिस इमेजिन करो, ये ऊपर वाला, ये बिल्कुल वैसे ही है। तो इसके अबाउट मुझे पता है ये कितना है, आईसी होता है। ये क्या होता है? आईसी। आपको मैंने ये थ्योरम बताया था, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। वो क्या कहता है कि अगर ये वाला एक्सिस है, ये वाला आपके पास क्या है, अगर एक्सिस है। समझ में आ गया? इसके अबाउट अगर इसको घुमाएंगे तो बताओ क्या आएगा, बताओ।
इसके बाद इसको घुमाएंगे तो किसके इक्वल होगा बोलो, z अगर ये z अगर है तो इसको क्या बोलेंगे, आई एक्स, और ये क्या आपका आई वाई, तो आई जेड इज इक्वल टू क्या होगा, आई एक्स प्लस आई वाई। समझ आया क्या बोला मैंने, क्लियर है? यानी अगर आपको z के अबाउट निकालना है तो आप x और y के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है? चलो भाई, ये अपने को समझता है। तो देयरफॉर यहां पर जो है IC, IC किसके इक्वल होगा बताओ, IC z के बराबर है, ये IX और ये क्या हो जाएगा IY, तो क्या लिख दूं मैं, ID प्लस ID। वो समझ आया क्या बोला मैंने, क्लियर? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, डायमीटर है, x भी अलॉन्ग डायमीटर है, y के अलॉन्ग भी क्या है, डायमीटर आ रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2id, और ये क्या है, ic तो मैं जानता हूं mr square है, तो ये therefore id क्या हो जाएगा बताओ जरा, id हो जाएगा mr square by 2। सबको समझा, कोई दिक्कत नहीं, चलो कॉपी करो। जो है हम हमारे आगे वाले पार्ट पे जाते हैं, जिसमें हम रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, दो एक्सिस के अबाउट निकाल लिया, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन और डायमीटर के अबाउट वाला। अब तीसरा चौथा बच गया, दोनों के दोनों अलोंग द टेंजेंट है, अलोंग द टेंजेंट इन इट्स प्लेन वाला पहले निकालते हैं, उसके प्लेन में ही जो है, यानी ये आपका अगर रिंग है तो ये वाले टेंजेंट की बात कर रहा हूँ, ये वाले टेंजेंट। तो अगर दो टेंजेंट बन सकते हैं, आगे अगर रिंग ये है तो टेंजेंट ये हो सकता है जो उसके प्लेन को परपेंडिकुलर है, और दूसरा टेंजेंट ये भी तो हो सकता है जो उसके प्लेन को क्या है, उसी के प्लेन में आ रहा है, उसी के प्लेन में आ रहा है। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो इन इट्स प्लेन वाले टेंजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, उसी के पैरेलल और एक एक्सिस बना देता हूँ मैं जो ये प्लेन वाला, तो इसके अबाउट घुमाएंगे तो क्या होगा आई टी, इसके अबाउट घुमाएंगे तो क्या होगा आई डी, ये तो डायमीटर वाला है। समझ में आ गया? और इनके बीच में डिस्टेंस तो आ रही होगा, इसी को अपन क्या बोलते हैं एच, तो ये तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग रहा है यहाँ पर। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, आई टी इक्वल टू क्या होगा IC प्लस क्या होगा MH स्क्वायर। IC क्या है, यानी सेंटर से पास होने वाले के अबाउट क्या बताओ जरा, MR स्क्वायर बाय 2 प्लस M इनटू H कितना है, डिस्टेंस कितना है R, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, IT इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 बाय 2 MR स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास अलोंग द टेंजेंट। समझ में आ गई बात, क्लियर है? ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, डी वाले पार्ट पे जाते हैं। ठीक है, अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, रिंग के प्लेन को परपेंडिकुलर टेंजेंट के अबाउट मुझे क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। यानी ये वाला अगर मेरे पास क्या है, रिंग है, उसको परपेंडिकुलर वाला ये टेंजेंट होगा। समझ में आ रही की बात क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तो ये वाले टेंजेंट के अबाउट अपने को क्या निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। उसी के पैरेलल एक एक्सिस बनाता हूँ, ये तो आई सी होगा, इसको क्या बोलूंगा मैं, आई टी बोलूंगा, इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, आर होगा, तो फिर से क्या लग जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, आई टी इज इक्वल टू क्या होगा, आई सी प्लस क्या हो जाएगा एम एच स्क्वायर। आई सी, आई सी कितना है बताओ जरा, यहाँ पर तो वो क्या है एम आर स्क्वायर प्लस एम इन टू एच का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 mr square। तो आई टी अपने को क्या मिल गया, 2 mr square। सबको समझा, कोई दिक्कत नहीं है? इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, तीसरा हमको एक डिस्क लेना है, अभी क्या लेना है, एक डिस्क, और डिस्क के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। मान लो आपके पास डिस्क है, तो अभी हमारा हेडिंग क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन ठीक है, एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। उसके सेंटर से पास हो रहा है, उसके प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसा कुछ एक्सिस है। ये मेरे पास एक डिस्क है, मान लो ये मेरे पास एक डिस्क है, और ये वाला एक्सेस है, कैसा वाला एक्सेस है, ये वाला एक्सेस है। समझ में आ गया? इसके बाद जब उसको हम घुमाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है या रेडियस कितना है आर, तो आई सेंटर इसका हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। उसको डिराइव नहीं करना है, इसको याद करना है। डिराइव सिर्फ क्या करना था, रिंग वाले केस को करना था, और किसी का भी डेरिवेशन नहीं दिया, डेरिवेशन भी नहीं, बेसिकली पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना था उसके अंदर, इसमें नहीं लगाना है, इसमें याद करना है सीधा। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो आईडी क्या हो जाएगा, आईडी हो जाएगा आपका एम आर स्क्वायर बाई 2। ये यहाँ पर क्या है, ये डिस्टेंस है आर। ठीक है, सबको समझ में आया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है? तो ये अपने पास हो गया क्या, आई सी एम आर स्क्वायर बाई 2। अब इसके बाद क्या बच गया, इसके बाद अपने पास अभी दो और चीज़ें बच गई, एक सिलेंडर का निकालना है और दूसरा किसका निकालना है, स्फीयर का निकालना है। दो और चीज़ें बच गई है, ठीक है, पहले इसको कॉपी करो जल्दी। दो और ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है, अलग अलग एक्सेस के अबाउट, और उसके बाद ये जो एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम वाला पार्ट था ये कंप्लीट हो जाएगा।
फिर दो डेरिवेशन और बचे, उसके बाद चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो अभी क्या बचा हमारे पास? अभी हमारे पास बचा नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्थ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। आपके पास यहाँ पर एक सिलेंडर है मान लो, और ये जो सिलेंडर है उसके सेंटर से पास हो रहा है एक्सिस, और उसकी लेंथ को क्या है? परपेंडिकुलर है। बस समझ में आ रही है? टोटल लेंथ उसकी क्या है? एल है। इसका ये रेडियस क्या है? आर है। और आपके पास ये डिस्टेंस क्या है? एल बाई टू होगा। ठीक है, तो अपने पास एक सॉलिड सिलेंडर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है, लिखना है, तो क्या होगा? होता है एम आर स्क्वायर बाय फोर प्लस एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व। समझ में आ गया क्या फॉर्मूला है? एम आर स्क्वायर बाय फोर प्लस एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व। एक बार सीईटी में डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछ लिया गया था, समझ में आया? क्लियर है? तो ये फॉर्मूले याद करने जरूरी है तुम लोगों को। ठीक, उसके बाद फिफ्थ वाला है। फिफ्थ क्या है? लास्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर। समझ में आ गया? कोई भी हमने क्या कर दिया, डायमीटर लिया, और डायमीटर के अबाउट क्या कर रहे हैं? उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, मान लो ऐसे कोई स्फीयर है, उसके डायमीटर के अबाउट मैं क्या करूंगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। तो डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? 2/5 एम आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। समझ में आया? तो आपने क्या कर लिया, आपने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट पढ़ लिए। सबसे पहले हमने शुरुआत कहाँ से की? रॉड से शुरुआत की। एक हमने रॉड लिया, उसके सेंटर से एक एक्सिस को पास करवाया, उसके बाद उसको घुमा रहे हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, जो क्या आता है? एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व। समझ में आ गया? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, याद रखना है क्या, दो चीजें, क्या ऑब्जेक्ट क्या है, दूसरा एक्सिस क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, वो क्या होता है? एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, चार एक्सिस के अबाउट निकाला, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो वो क्या है? एम आर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया, अबाउट इट्स डायमीटर, वो क्या है? एम आर स्क्वायर बाई टू। याद रखना, रिंग का डायमीटर वाला क्या है? एम आर स्क्वायर बाई टू। उसके बाद रिंग का टेंजेंट वाला इन इट्स प्लेन क्या आया? 3/2 एम आर स्क्वायर। परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन क्या आया? 2 एम आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो भाई, इसके बाद आगे बढ़े हम लोग। आगे क्या किया? डिस्क का सेंटर वाला क्या आया? एम आर स्क्वायर बाई टू। याद रखेंगे, रिंग का डायमीटर वाला और डिस्क का सेंटर वाला सेम है। रिंग का डायमीटर वाला क्या है? एम आर स्क्वायर बाई टू, और डिस्क का सेंटर वाला भी क्या आया? एम आर स्क्वायर बाई टू। सबको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीज है बताओ, आगे क्या चीज है? नेक्स्ट क्या पढ़ा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, तो वो क्या आता है? एम आर स्क्वायर बाय फोर प्लस एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व। समझ में आती बात? उसके बाद आगे गए, आगे क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, जो कि क्या आया? 2/5 एम आर स्क्वायर आया। सबको समझा? कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करना अच्छे से इनको। समझ में आ गई बात? चलो कॉपी कर लो आज के लिए, बस कल कंप्लीट कर लो।